Hi guys, hello and welcome back to my channel, The Urban Stories, where we talk all about home decor, lifestyle, DIYs, fashion and much more. So, Nykaa pe chal rahi thi Pink Friday sale, jahan pe bahut hi achhe offers the, even on high-end brands. तो मैंने वहां से कुछ चीजें मंगवाई हैं अपनी मेहनत की कमाई से. एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सारी चीजें जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. इनमें से कुछ नई चीजें हैं और कुछ आर ओल्ड फेवरेट्स. चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड फॉर माय रेकमेंडेशन. माय है ये लैक्मे की लूमी क्रीम. आई डोंट थिंक दिस प्रोडक्ट नीड्स एनी इंट्रोडक्शन. काफी ज्यादा हाइप है इस प्रोडक्ट की और मैंने पर्सनली इसको पहले भी यूज किया हुआ है. दिस इज माई सेकेंड ट्यूब और काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है. इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल. अब हर कोई तो मैक की स्ट्रोब क्रीम नहीं खरीद सकता ना, सो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा अच्छा है. इट्स वेरी लाइट वेट और वो बहुत ही नेचुरल सा ग्लो देता है. इट डज नॉट हैव एनी चंकी पार्टिकल्स और मेकअप के नीचे काफी ज्यादा अच्छा लगता है. सो दिस इज माई सेकेंड परचेज. एंड उसके बाद मैंने मंगाए हैं प्लम से कुछ फ्रेग्रेंसेस. तो यू ऑल नो कि प्लम के जो फ्रेग्रेंसेस हैं दे आर सुपर लॉन्ग लास्टिंग. काफी ज्यादा वैरायटी है एंड आई लव देयर पैकेजिंग. लुक एट द कलर्स. सो मैंने इसमें मंगाए हैं उनके दो. वन इज द वनीला वाइब्स जो कि काफी ज्यादा फेमस है. वनीला वाइब्स या स्केलो इसी सेम फ्रेग्रेंस में उनका बॉडी ऑयल भी आता है. मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है. उसकी स्मेल मतलब एकदम लाइक कपकेक्स वाली है एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू हैव द सेम स्मेल. सो ये है उनका अगेन ट्रैवल साइज वाला. सो आजकल मुझे ना ट्रैवल साइज वाली चीजें ज्यादा पसंद आने लगी है बिकॉज दे आर वेरी नॉट ईजी टू कैरी और डोंट हैव टू रियली वरी अबाउट कैरिंग बिग बॉटल्स. जस्ट स्मेलिंग लाइक कपकेक्स. बहुत ही अच्छी स्मेल है. एंड सेकेंड है ये फ्रेग्रेंस हवाईन रुम्बा. ऑफकोर्स ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है. इसी सेम वेरियंट में उनका आई थिंक शावर जेल भी आता है. आई हैव नॉट ट्राइड देयर बॉडी मिस्ट बट दीज आर परफ्यूम्स. काफी ज्यादा फ्रेश सी वाइब है इसकी. इट फील्स लाइक यू आर ऑन अ बीच वेकेशन. मतलब डेफिनेटली अच्छा लगा मुझे ये फ्रेग्रेंस. दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव ट्राइड. मैंने वनीला नोट्स वाले काफी ज्यादा परफ्यूम्स ट्राई किए हुए हैं पहले. साथ मुझे ना फ्री आया था ये ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क अगेन फ्रॉम प्लम. मैंने ये यूज नहीं किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज इट. सो ये काफी इनका बड़ा साइज है. Not a bad deal. So ये कुछ इस तरह का दिखता है. This is a clay mask for clear skin. काफी ज्यादा सुना है इसके बारे में. Good time to try, I guess. इसके साथ मुझे एक और चीज फ्री मिली है which is this plum avocado shampoo. Again the travel size. Travel में काम आएगा काफी. ओके इसके बाद मूव करते हैं कुछ आई मेकअप की तरफ. तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये के ब्यूटी का जेल आई लाइनर और दिस इज इन द शेड ब्रॉन्ज. सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है. लव द पैकेजिंग ऑफ ऑल के ब्यूटी प्रोडक्ट्स. काफी ज्यादा पिगमेंटेड है एंड ग्लाइड्स लाइक बटर. बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे. अभी तक मैंने इसको ट्राई ऑन नहीं किया है बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस वन. इसमें काफी सारे शेड्स अवेलेबल हैं एंड आई थिंक के ब्यूटी और नायका ड्यूरिंग द पिंक फ्राइडे सेल वॉज क्वाइट एट अ डिस्काउंट. तो इसलिए मैंने ये परचेज किया. काफी दिन से मेरी विश लिस्ट में था. इसमें काफी सारे सुंदर सुंदर शेड्स हैं. इफ यू गाइज वांट टू ट्राई इट आउट डू चेक द प्रोडक्ट्स आउट. लिंक्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सारे ही प्रोडक्ट्स के प्राइसेस मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूं. आई मेकअप में नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया है वो है पैक का ये लॉन्ग लास्टिंग कोल और काजल इन द शेड कॉफी ब्राउन. मैं बहुत दिन से एक ब्राउन कलर का अच्छा काजल ढूंढ रही थी एंड फाइनली आई थिंक आई हैव गॉट वन. सो दिस इज देयर काजल जिसमें पीछे स्मजर भी मिलता है. सो काफी अच्छा डील है अगर आपको पीछे स्मजर भी मिल जाए. तो अभी आज के मेकअप के लिए मैंने ये यूज किया हुआ है और मुझे काफी पसंद आया. वेरी पिगमेंटेड लॉन्ग लास्टिंग और अगेन इट ग्लाइड्स लाइक बटर. काफी मजा आया इसको यूज करके. पीछे स्मजर की हेल्प से तो और ज्यादा इजी हो जाता है स्पेशली इफ यू वांट टू क्रिएट स्मोकी आईज. इसके अलावा मैंने पैक का एक और चीज मंगवाया है विच इज देयर फॉल्स आई लैशेस. दिस इज इन द नंबर 53.
मुझे ना आई लैशेस ऑनेस्टली लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न दीज डेज, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया है. और इसके साथ मैंने ना इनका जो आई लैश ग्लू आता है वो भी मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास इससे पहले मिस क्लेयर वाला आई लैश ग्लू था जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था. सो आई थॉट ऑफ बाइंग दैट वन. सो येस, दिस इज माई नेक्स्ट परचेज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो मैंने मंगवाया है ये वाइट काजल. दिस इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन. मैं बहुत दिनों से एक वाइट काजल ट्राई करना चाहती थी और सेल के टाइम पे मैंने सोचा इट इज द बेस्ट टाइम टू बाय वन. सो मैंने लगी हाथों ये भी परचेज कर लिया. काफी ज्यादा अच्छा है, काफी पिगमेंटेड है फॉर अ वाइट लाइनर. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा अच्छा निकला है ये. सी, काफी ज्यादा पसंद आया. हाईली रेकमेंडेड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड वाइट काजल. ओके, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ आई मेकअप. सो आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वॉल्यूमनस लैश पैराडाइज मस्कारा फ्रॉम लॉरियल पैरिस. जो वॉन्ड है दैट इज क्वाइट डेंस और मतलब काफी बड़ा सा वॉन्ड है. आई रियली लाइक इट. इससे प्रोडक्ट एप्लीकेशन काफी अच्छा हो जाता है. इट गिव्स यू दैट इफेक्ट ऑफ फेक आई लैशेज विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग वन. तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज इट मोर ऑफ. ओके, सो दिस वॉज माई लास्ट प्रोडक्ट फॉर आई मेकअप. इसके अलावा मैंने मेकअप में एक और चीज मंगवाई है, विच इज द एली गर्ल प्रो कंसील हाई डेफिनेशन कंसीलर, HD हाई डेफिनेशन कंसीलर. और आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन. इसमें मेरा शेड है मीडियम बेज और ये परफेक्टली मैच करता है मेरे शेड में. काफी ज्यादा हाई कवरेज कंसीलर है. फॉरवर्ड टू यूज इट इन दिस वेडिंग सीजन. लुक आउट फॉर मोर वीडियोज. Now moving on to the last product of today's video. So मैं बहुत टाइम पहले एक मॉल गई थी जहाँ पे मैंने बॉबी ब्राउन की एक लूक शाइन लिपस्टिक ट्राई की थी इन द शेड क्लैरेट. बट अनफॉर्चुनेटली वो कहीं भी स्टॉक में अवेलेबल नहीं थी इन एनी ऑफ देयर ऑफलाइन स्टोर्स. एंड वो नायका पे अवेलेबल थी, पर नायका पे उस टाइम उसका प्राइस था 4,000 rupees एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी एक लिपस्टिक पे. सो नायका की जब सेल आई तो बॉबी ब्राउन पे बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे थे. इट वॉज बाय वन गेट वन. तो मैंने दो लिपस्टिक्स खरीदी हैं एट द प्राइस ऑफ 4,000, विच आई थिंक फॉर अ ब्रांड लाइक बॉबी ब्राउन काफी अच्छी डील. तो पहले तो मैंने वही मेरा विश लिस्टेड शेड खरीदा है. दिस इज फ्रॉम द रेंज लुक्स शाइन इंटेंस लिपस्टिक एंड द शेड इज क्लैरेट. बहुत ही प्यारा सा बर्न्ड रेड शेड है एंड आई थिंक आई ऑलरेडी लव इट. मतलब मुझे ये शेड बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड आई बीन वॉन्टिंग टू बाई इट सिंस लॉन्ग. तो क्योंकि ये नायका पे अवेलेबल था एंड अच्छे ऑफर्स थे मैंने खरीद लिया. इसके साथ जो मैंने फ्री वाली लिपस्टिक चूज की है दैट इज फ्रॉम देयर रेंज बॉबी ब्राउन लुक्स मैट लिप कलर और दिस इज इन द शेड रेड कार्पेट. ये काफी ही ब्यूटीफुल कलर है एंड लुक एट द पैकेजिंग. मतलब मुझे बॉबी ब्राउन की पैकेजिंग काफी अच्छी लगती है. मतलब काफी ना ऐसे हाई एंड वाला फील देती है बिकॉज ऑब्वियसली महंगी लिपस्टिक इतना तो होना भी चाहिए. एंड ये जो शेड है इट इज वेरी सिमिलर टू द रूबी वो शेड ऑफ मैक. द ओनली डिफरेंस इज कि ये ना थोड़ा सा इट्स अ बिट शाइनियर इन कंपैरिजन टू द रूबी वो विच इज कंप्लीट मैट. तो ये हल्का सा शाइनियर है अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड लगाते हैं. आई लव 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 द शेड और ये शायद मैं अपनी मम्मी को गिफ्ट करूंगी. सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो. ये सारी ही चीजें मैंने अपनी मेहनत की कमाई से ली है एंड नन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर स्पॉन्सर्ड. मुझे पर्सनली ये सारे ही प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे लगे और आप इनमें से अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू लेटर. बाय.